CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में एंड हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग तैयार होंगे आज के कार्यक्रम से प्रोत्साहित होने के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, इस पूरे महीने हम गोल सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम खास प्रार्थना करेंगे ताकि जो भी गोल्स हम सेट कर रहे हैं, जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, ये सब गोल्स, ये सब प्लान्स परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हों। इनफैक्ट मानव, हम कई बार बात करते हैं कि हमारे जो गोल्स हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने चाहिए, पर इज इट पॉसिबल टू रियली नो गॉड्स विल इन आवर लाइव्स? ये एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है एंड इसके लिए तो बहुत समय चाहिए, मगर एक नटशेल में अगर मैं बताऊँ, व्हाट डज गॉड वांट फ्रॉम अस, प्रभु चाहते हैं हमारे साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप बने। जी। और रिलेशनशिप तभी थ्राइव करता है कि रिलेशनशिप की दोनों पार्टीज अपना कोई भी एस्पेक्ट को मिस्ट्री ना रखें, ना किसी को छुपाएं। तो गॉड इज अ गॉड हु डजंट वांट टू बी अ मिस्टीरियस पर्सन विद अस, बट ही वांट्स टू बी अ पर्सन हु इज रिवीलिंग हिमसेल्फ। तो इसका मतलब है कि प्रभु की जो विल है, उनकी इच्छा है हमारे लिए, वो भी खुलकर वो उजागर करेंगे। तो इट इज यस एक्चुअली पॉसिबल टू नो गॉड्स विल। यस, एंड हाउ कैन वी, पर हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है? आई थिंक मैं इसका जवाब यही दे पाऊंगा कि इसको अगर तीन चीज़ों में जाना जाए। पहली चीज़, प्रभु का वचन बोलता है कि हिज वर्ड इज़ अ लैम्प टू माई फीट। तो प्रभु का वचन पढ़ने से हमारे मन भी थोड़ा 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 करके जानेगा प्रभु के बारे में, तो वी वुड नो अबाउट हिम। सेकेंड चीज़ है प्रार्थना विथ पेशेंस, क्योंकि कभी कभार हम प्रार्थना करते हैं मगर इम्पेशेंट हो जाते हैं। प्रार्थना विथ पेशेंस, पीपी। तो हम लोग प्रभु के से प्रार्थना करें और फिर वेट करें प्रभु उसका कब समय से अपने उसका आंसर देगा, और नहीं भी आंसर देता है तो वो भी एक आंसर है एक तरीके से। सो प्रार्थना विथ पेशेंस। और तीसरी चीज, प्रभु के जनों के साथ उठे बैठे, उनसे बातें सुने, और हो सकता है प्रभु उनके द्वारा हमसे बात कर रहा हो, और उनकी बातों को जाने और उसको विश्वास से फॉलो करें। जी, तो इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल फॉर अस टू नो गॉड्स विल। और आज हम दोस्तों प्रार्थना करेंगे, आज हम मांगेंगे, और आप भी हमारे साथ जुड़ें, आप भी जहाँ कहीं भी आप हैं, आप प्रार्थना करें हमारे साथ ताकि परमेश्वर की इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। और इसी बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस बदलते हुए जीवन की सच्ची कहानी और जानते हैं कि कैसे इन्होंने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जाना। दुनिया में हर आदमी नाम कमाना चाहता है, और वो इस चाहत में उसको भूल जाता है जिसने इस दुनिया को बनाया है। और कुछ इसी तरह से रॉबर्ट ने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत की। और नाम कमाने के चक्कर में मैं जब फिल्मों को देखता था तो मैं सोचता था कि ये फिल्म के लोग जैसे जैसे हीरो हीरोइन होते हैं वैसे ही मैं भी अपने नाम को कमाऊं। इसके लिए मैंने फिर एक इंटरव्यू हुआ मेरा, और मैंने इंटरव्यू लेटर मेरे पास में आ गया, और मैं देहरादून में आवास विकास में मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, जिसमें 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ। और इसके बाद रॉबर्ट बॉम्बे आ गए अपने डायरेक्टर के साथ। और जब मैंने वहाँ के माहौल को देखा तो मुझे लगा कि शायद और भी यहाँ तो मेरे लिए चांस बहुत खुल गया है, मैं तरक्की करूँगा, डेवलप करूँगा। और मैं उसके बाद में वहाँ पर जब मैंने फिल्म में काम किया, काम करने के बाद फिर वहाँ पर लोगों से भी मैं कॉन्टेक्ट करने लगा। लेकिन रॉबर्ट को ज्यादा काम नहीं मिल पाया और वो फिर से नाम कमाने के लिए म्यूजिक में आए और ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन किया। जब मैंने ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया तो ऑर्केस्ट्रा में मेरा काफ़ी मैंने बड़े बड़े शोज़ किए, और मैं बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर अपने दोस्तों के साथ में जाकर मैं उस प्रोग्राम्स को किया करता था। और जब हम लोग वहाँ से आते थे तो हम लोग ड्रिंक्स वगैरह भी बहुत करने लगे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रॉबर्ट की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मेरा जो ढोलक बजाने वाला म्यूजिशियन था, उसने ड्राइवर को एक बस स्टैंड आया, वहाँ पर उसने उतरकर उसको वाइन दिया, उसको पीता था, उसने उसको भी ड्राइवर को पिलाया, और मैं सो रहा था और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और मेरी जो बस थी वो एक पेड़ में जाकर टकरा गई, शीशे पीठ में घुस गए और किसी तरीके से शीशा तोड़कर हम लोग उसमें से निकले, और 2 लोग उसी समय ऑन स्पॉट उसमें मर चुके थे। और तुरंत मैंने गाड़ी बुक करी और गाड़ी बुक करके मैं अस्पताल में आया। इलाज कराने के बाद रॉबर्ट
रॉबर्ट घर आ गए और वो सोच रहे थे कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है। और उनकी माँ ने उन्हें ये बताया कि उनके जन्म के बाद ही उनको परमेश्वर की राह के लिए समर्पित किया गया था। मेरी माँ ने मुझे बताया, बेटा आगे डेवलप ना करने का कारण तुम्हारा यह है कि परमेश्वर तुमको अपनी महिमा के लिए चुनना चाहता है, और मैं चाहती हूँ तुम सब कुछ छोड़कर सिर्फ प्रार्थना करो और परमेश्वर तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी योजना बनाएगा। मैंने फिर परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया और परमेश्वर के वचन से मुझे बहुत सामर्थ्य मिली। और मैं जब मैं फिर अगुओं के साथ में जाकर कुछ पास्टर्स के साथ में फिर मैंने उस ऑर्केस्ट्रा में जो फिल्मी गीतों को मैं गाया करता था, उसके बाद जाकर मैंने जब मैं प्रभु के के साथ में जाके फील्ड पे जाने लगा, उनकी सभाओं में जाकर मैं गीतों को मसीह गीतों को गाने लगा, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं फिर प्रभु में जुड़ने लगा और प्रभु के पास में नज़दीकी आने लगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा पास्टर वहाँ पर उस दिन नहीं आया और कुछ लोग मेरे पास बीच उस वहाँ पर थे, तो मैंने सोचा जब पास्टर नहीं आया तो मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि परमेश्वर कोई ऐसा वचन मुझे दीजिए ताकि मैं आपकी महिमा आज करने पाऊँ। प्रभु ने मुझे परमेश्वर के वचन से एक वचन दिया है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। मैंने बहुत पावरफुल होकर प्रचार किया कि बाइबल में लिखा है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। और जब मैं लोगों से बात करता था, लोगों के लिए प्रार्थना करता था, और मैं देखता था कि परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम करना शुरू किया। मैंने बड़े बड़े सुसमाचारों को, बड़ी बड़ी सभाओं को, सत्संग को मैंने किया और बहुत से कलीसियाओं का निर्माण किया। आज रॉबर्ट लखीमपुर खीरी के छोटे से कस्बे मैलानी में और आसपास के करीब 100 गांवों में अपनी सेवकाई दे रहे हैं और परमेश्वर के प्रेम को लोगों के साथ बांट रहे हैं। उन्होंने जो रास्ता चुना था कामयाबी पाने का, उसको और नशे की सारी लतों को छोड़कर वो सत्य और परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं। परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। दोस्तों, आज हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? रेबेका, लेटली हमने घर में एक वॉशिंग मशीन लेकर आए एंड मैंने उस वॉशिंग मशीन को एक्चुअली इंस्टॉल करते समय पूरा खराब ही कर दिया। आपने वॉशिंग मशीन खराब कर दी? हाँ, छोटा सा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था मगर वो पूरा खराब हो गया। ओहो, और ये कैसे हुआ? एक्चुअली दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई शुड हैव नोन। ये कैसे हुआ? जब वॉशिंग मशीन आई तो उसका एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है। हाँ, उसका एक बुक होती है, इंस्ट्रक्शन बुक, मैनुअल हाँ, बुक होती है। जी, जी। उसको मैंने नहीं पढ़ा। मुझे मालूम था कि क्या करना है, सब करके मैंने सेट कर दिया एंड हमें फिर खराब हो गया तो मैकेनिक को बुला के उसे सही कराना पड़ा। दोस्तों, आपने देखा एक लाइव एग्जाम्पल कि कैसे मैंने इंस्ट्रक्शन बुक मैनुअल को नहीं पढ़ा और जरा सी इस गलती की वजह से हमें काफी नुकसान झेलना पड़ा। हो सकता है दोस्तों आप आज लाइफ में टूटे हुए रिश्तों का नुकसान झेल रहे हों। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे डिसीजंस लाइफ में लिए हों उसके नतीजे आज भुगत रहे हों। हो सकता है कि आज आपने कुछ ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब मैं ऐसा ही करूंगा मगर मन में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं बिकॉज आपको पता नहीं है कि सही रास्ता वो है या कोई दूसरा है। मे बी यू आर कन्फ्यूज्ड। एंड इन सब चीज़ों को अगर आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आने वाले कल के बारे में पता नहीं है एंड दैट कैन लीड टू फेलियर, नुकसान एंड मे बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू एंड मी। प्रभु का वचन क्या कहता है, आइए देखें इस सिलसिले में। प्रभु का वचन जेम्स चैप्टर 1:5-6 में बोलता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो या कमी हो तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उल्हाना विदाउट पार्शियलिटी दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो। देखा प्रभु का वचन क्या बोल रहा है कि जब आपको डायरेक्शन की जरूरत है या किसी चीज की कमी है समझदारी में या व्हाट डिसीजंस यू हैव टू डू, आप डिफॉल्ट मोड में प्रभु के पास जाएं, सबसे पहले प्रभु के पास जाएं। और जब प्रभु आपको जवाब देता है तो हो सकता है वो जवाब आपको वचन से दे, हो सकता है वो जवाब आपको प्रार्थनाओं से दे, हो सकता है जवाब वो उन लोगों से दे जो आपके समूह हैं, जो विश्वास में मैच्योर हैं और प्रभु का वचन आप तक लेकर आते हैं। और इन सब की जब बातें आपके पास आएं तो उस पर विश्वास करें, क्योंकि आप जब प्रभु का वचन सुन लेंगे तब आप कहेंगे अच्छा ठीक है मैंने सुन लिया मगर अब मैं अपनी करूँगा, फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। तो प्रभु का वचन बहुत क्लियरली बताता है,
दोस्तों आज मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, बी इट योर रिलेशनशिप, बी इट फाइनेंशियल सिचुएशंस, बी इट फ्यूचर के बारे में संदेह करना या कंफ्यूजन होना, या पुराना क्या अगर कोई डिसीजन है जिसके नुकसान आज भुगत रहे हैं और आपको पता नहीं उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, या किसी को माफ़ी मांगनी है या किसी को माफ़ करना है, ये सारी चीज़ें प्रभु का वचन आपको बहुत क्लियरली बताता है। और प्रभु से आप प्रार्थनाओं में जाएं इन सारी सिचुएशंस को लेके, प्रभु इसका तोड़ बताएगा, प्रभु इसमें से रास्ता बनाएगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ ये आप विश्वास योग्य होकर इसको फॉलो करेंगे, बनिस्पत इसके कि मैं अपना मन लगाऊं। दोस्तों, अपने चैलेंजेस में, अपने स्ट्रगल्स में, अपने सोच विचार में अगर आप प्रोफेशनल हेल्प चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया में हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। ये हमारा वेबसाइट एड्रेस है और यहाँ जाकर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और रेवरेंड सैम मिशक मेथोडिस्ट चर्च द्वारका से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और डिस्कस भी करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ गोल्स टू बी सेट। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में रिकॉर्ड और पेश किया। इस पहल में आप सबका सहयोग और प्यार मिला और पहली बार चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं मलयालम कॉयर सेंट जॉन पॉल सेकंड चर्च इंदिरापुरम गाजियाबाद से। आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। अगर आपके कॉयर भी जोश और जज्बे से भरी हैं, तो 9910401010 connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं और आप सबके लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप लक्ष्य को निर्धारित करने में बुद्धि पाने की चाह रखते हैं और गाइडेंस चाहते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर से हम बुद्धि पाएं, समझ पाएं, ताकि परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर हम अपने जीवन को चलाएं। और आइए इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करें। और इस वक्त हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और रेवरेंड सैम मिशक के साथ जुड़ेंगे जो प्रार्थना कर रहे हैं। और आज वो हमें ये भी बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन में किस तरह के गोल्स सेट करने चाहिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। दोस्तों, लास्ट वीक हमने बात किया था नीड ऑफ गोल सेटिंग्स के बारे में। अगर आपने मिस कर दिया है तो CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर अभी जाएं और जरूर चेक करें। इट विल हेल्प यू टू बी मोर क्लियर एंड श्योर अबाउट द नीड्स टू सेट गोल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं व्हाट काइंड ऑफ गोल्स टू सेट। वेलकम पास्टर सैम, हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आपने हमें पिछली बार बहुत एनकरेज किया था, आज भी मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑडियंसेस को आप एनकरेज करें और हमें बताएं कि हमें किस तरह के गोल सेट करने चाहिए। जब हम गोल्स और लक्ष्य की बात करते हैं तो हमें एक बात जानना जरूरी है, परमेश्वर की योजना और इच्छा हर एक व्यक्ति के लिए अलग है। जो परमेश्वर की योजना आपके लिए है वो जरूरी नहीं है वो मेरे लिए, और जरूरी नहीं है जो योजना मेरे लिए है वो आप लोगों के लिए हो। तो परमेश्वर की योजनाओं पर हमारे लक्ष्य और हमारे गोल्स आधारित होने चाहिए। बिल्कुल, द परफेक्ट विल ऑफ गॉड, ये बहुत जरूरी है हम सबके लाइफ में, और खासकर जब हम लक्ष्य साधते हैं, जब हम गोल बनाते हैं, जब अपने स्टेप बाय स्टेप गोल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। गोल्स, प्लान्स, रेजोल्यूशन, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, प्रोफेशनल या पर्सनल, हम सब सेट करते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं। बट कई बार फेलियर्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आना या टाइम टेकिंग की वजह से हमारा जो एंथुजियाज्म रहता है वो नीचे चला जाता है, बहुत कम हो जाता है। पास्टर, आप क्या बताना चाहेंगे कि हमेशा एंथुजियास्टिक रहने के लिए क्या ज़रूरी है?
बाइबल एक बात कहती है परसिवरेंस, संयम। और बार बार बाइबल इस बात को याद दिलाती है कि हमें संयमी होना जरूरी है। अगर हमारे अंदर वो परसिवरेंस और अगर हम संयम नहीं है तो कभी भी हम उन गोल्स को, उस लक्ष्य को हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, हमारे गोल्स बदलते जाएंगे, हमारे गोल्स और हमारे लक्ष्य जो है फर्क होते जाएंगे। जी जी, मतलब अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाने हैं हमें, परमेश्वर जो पर्पस हमारे मन में डालता है उसके अकॉर्डिंग गोल्स बनाने चाहिए हमें। कौन से ऐसे गोल्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे, क्या ऐसी बातें हैं जो हमें हेल्प करेंगी व्हाइल सेटिंग गोल्स या गोल्स को पहुंचने में? मैं व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं स्मार्ट गोल्स पर बात करना चाहता हूँ। SMART, स्पेसिफिक गोल। एस मतलब स्पेसिफिक। हम बहुत सारे गोल्स कई बार रख लेते हैं, ये भी वो भी और ये भी ऐसा भी नहीं, बी स्पेसिफिक। एम का मतलब है मेजरेबल, मूल्यांकन करना उसका कि मैं इस लक्ष्य में कितना आगे बढ़ा हूँ, आगे बढ़ी हूँ और कितना इस लक्ष्य के पीछे मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ और मुझे कितना हासिल हो रहा है। ये नहीं कि वो 10 साल बाद मुझे वो लक्ष्य, जब आप लक्ष्य के पीछे जाते हो तो वो थोड़ा थोड़ा आप उसको हासिल करते हुए जाते हो। यू कुड सी योर गोल्स बीइंग अचीव्ड। फिर है अटेनेबल, अटेन करना बहुत जरूरी है। अगर गोल को मैं, गोल हम क्यों रखते हैं, ताकि वी कुड अटेन, ताकि हम उसे हासिल कर सकें, तो वो भी हमें जानना चाहिए मेरी क्षमता क्या है, मेरी योग्यता क्या है और मेरी लियाकत क्या है, और उसको फिर हम अटेन करते हैं। फिर रियलिस्टिक गोल्स। अब मैं बोलूं कि मेरा एक गोल है मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं, ना राजनीति जो है मुझे प्रभावित करती है, ना मेरा पैशन है उस पर। तो मैं यहां पर बैठा बैठा में मेरा एक गोल है मुझे प्रधानमंत्री बनना नहीं, मेरी रियलिस्टिक गोल, जैसा मैं सेवा में हूं, मेरे गोल जो है मेरे सेवा के चारों तरफ आधारित होने चाहिए। फिर टाइमली, उस एक 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 समय सीमा होनी चाहिए, 1 साल, 2 साल, 6 महीने में ये मेरा गोल है। हाँ, वो बात अलग है अगर आप अचीव कर पाएं उस समय में या ना अचीव कर पाएं, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन टाइमली होना बहुत ज़रूरी है कि एक एक समय सीमा होना ज़रूरी है कि इस समय पर मैं कोशिश करूँगा ये जो मैंने लक्ष्य रखा है ये लक्ष्य पूरा हो सके, फिर मैं उसके लिए काम करूँगा। बहुत अच्छी बात है बताई पास्टर आपने, ये मुझे भी हेल्प करेगा स्मार्ट गोल सेट करने के लिए और हमारे ऑडियंसेस को भी बहुत हेल्प करेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस समय जो हमें देख रहे हैं, ऑडियंसेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने गोल्स को लेकर, उनके लिए आप प्रार्थना करें और मैं आशा करती हूँ कि आप सब आज बहुत एनकरेज्ड होंगे। आइए हम आप सब के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जैसे हैं वैसे आते हैं पिता, और आपकी योजना हम सब के जीवनों के लिए फर्क और भिन्न है। होने दें, जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु वो आपकी योजना और इच्छा अपने जीवन में जान सके, ताकि वो एक लक्ष्य बनाए और उस लक्ष्य का पीछा करें। प्रभु जो निराशा हताशा इनके जीवन में है, या प्रभु इनकी शरीर इनका थक गया है और ये थकावट इन्हें निराशा की ओर ले जा रही है, तो मेरी आपसे विनती है प्रभु अपने सामर्थ्य से उन्हें हियाव दें, ढाढ़स दें और पुनः स्थापित करें, ताकि आपकी योजना को समझकर उसका पीछा करें। ये सब कुछ मैंने परमेश्वर के द्वारा मैंने इसे हासिल किया, पूरा किया, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों 17th ऑफ मार्च को हम फिर मिलेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे हम अपने बिगर गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। याद रखिए, आप हमसे जरूर जुड़े रहिए। आप प्रोफेशनल काउंसलिंग की हेल्प भी ले सकते हैं अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं टू अचीव योर गोल्स और आपको गिव अप नहीं करना है, तो आप इन 3 easy steps में अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक करें। Step 1, गो टू cbnindia.org। Step 2, क्लिक ऑन CBN ऑफरिंग्स एंड Step 3, बुक योर काउंसलिंग स्लॉट। आप सब अपना ख्याल रखें, अब हम चलते हैं, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू रेवरेंड सैम एंड निवेदिता, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही प्रैक्टिकली आपने हमें समझाया कि हमें किस तरह के गोल्स बनाने हैं, स्मार्ट गोल्स बनाने हैं, और कैसे हमारे जो गोल्स हैं ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने चाहिए। दोस्तों, आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर
28 मार्च को लाइव हमें देख सकते हैं और प्रार्थनाओं के लिए जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, डू जॉइन अस फॉर द लाइव प्रेयर ऑन द 28th of March एट 3 o'clock। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें जरूर भेजें। अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम शुक्रिया शुक्रवार में आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल बी राइट बैक। In a unique opportunity, you can now gift an on-air Thanksgiving prayer for someone you want to thank and honor. Ye unique gifting aapko allow karega to honor your loved ones, mark special occasions like birthdays, anniversary and remembrance by sending in your request. Yehi nahi, aap ek unique group Thanksgiving prayer choose kar sakte hain to honor your school, church ya organization. You can now gift an on-air Thanksgiving prayer for your elders, pastors, senior citizens, aapki community ke. Ye unique Thanksgiving prayer broadcast hoga national TV pe aur feature hoga on CBN India YouTube channel. Isliye abhi visit karein www.cbnindia.org and go to CBN offerings. Agar aapke special ones miss kar dete hain telecast ko, it will always be there for them to watch on CBN India Facebook page and YouTube channel. वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में इस पूरे महीने हम गोल सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से बुद्धि समझ मांग रहे हैं ताकि जो भी हम प्लान्स बनाएं, जो भी हमारी डिजायर्स हैं, वो सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हों। दोस्तों अब समय है प्रार्थना का और ये शुक्रगुजारी की प्रार्थनाएँ और हमारी इंटरसीडिंग प्रार्थनाएँ प्रभु तक हम लोग लेकर जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज इस समय के लिए कि हम लोग एक बड़े कुटुंब की तरह, बड़े परिवार की तरह बैठकर प्रार्थना कर सके। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस दिन का कि हम लोग आपकी महिमा को, आपकी करुणा को, आपके प्रेम को और इवन आपकी जस्टिस को जान सके। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर दी गई बलिदान को जान सके और तीसरे दिन जी उठने को जान सके। प्रभु जी शुक्रगुजार हैं कि हम इस चीज़ों को जानने के बाद शुक्रगुजार ही बन पा रहे हैं। इस ये जानते हैं कि हमारे होने से या हमारे सामर्थ्य से कुछ चीज़ हासिल नहीं है बल्कि आपसे हासिल है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने भी भाई बहन आपसे पुकार रहे हैं अपने सिचुएशन के बारे में, हो सकता है वो रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है जीवन में सिर्फ टूटापन हो और उसका कोई कारण समझ में ना आ रहा हो, डिप्रेशन में हो सकते हैं, कुछ विफलता ऐसी दिल में लग गई है कि उसके आगे भी उभर नहीं पा रहे हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन सब को मन को आप छुएं, इन सभी के मनों को प्रभु जी आप अपनी करुणा दें और एक आने वाले कल का एक उम्मीद जगाएं और एक सेकेंड चांस दें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन प्रार्थनाओं से हम मेजर ब्रेक थ्रूज देख सकें अपने जीवनों में। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग आपकी उपस्थिति को जान सकें, पवित्र आत्मा की दिए गए बोल को सुन सकें और उस हिसाब से चल सकें, भले ही दुनिया की नज़रों में वो कितना भी अलग नज़र आए या उसको लोग उसको उसके ऊपर ठटकारें लगाएं या मजाक उड़ाएं, मगर हम आपकी रास्ताओं में, आपकी राहों में डटे रहें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इन प्रार्थनाओं के लिए कि ये प्रार्थनाएं जो आपके भवन तक जा रही हैं उनका जवाब हमें मिले और मेजर ब्रेक थ्रूस मिल सके। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों कितना अच्छा है ना कि हम परमेश्वर के पास प्रार्थना में आ सकते हैं। हमारा सामर्थ्य जीवित परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। परमेश्वर करे कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। Thank you.
फ्रेंड्स, अक्सर हम सुनते हैं ना, व्हाई वरी व्हेन वी कैन प्रे, तो हम ऐसा ही करें। परमेश्वर का वचन भी हमें इंकरेज कर रहा है कि हम चिंता ना करें, हम स्ट्रेस ना हों, ये ना सोचें कि हमारे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। इन सब बातों को हम परमेश्वर को सौंप दें और धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के पास आएं, ये जानते हुए कि वो हमारे जीवन के कंट्रोल में है। आवर लाइफ इज़ इन हिज कंट्रोल, और वो हमें अपनी वो शांति देगा जो हमारी समझ से भी परे है। आइए दोस्तों, हर बात के लिए, हर अपने प्लान को हम परमेश्वर को सौंप दें। एंड दोस्तों, अब वक्त आया है हमारा चलने का, मगर जाने से पहले ये जो आईटी कॉलेज इज़ाबेला थॉबन कॉलेज के द्वारा गाना गाया है उसका बहुत ही पर्याप्त थीम है, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टमोरो। प्रभु की वजह से ही मैं कल में उम्मीद रख सकता हूँ और कदम पर कदम कल की तरफ अग्रसर कर सकता हूँ। उम्मीद है कि ये गाना आपको सिर्फ एनकरेज ही नहीं करेगा बल्कि ढंग से उम्मीद जगाएगा, आप उठें और कल की तरफ अग्रसर हों। Yes friends, our God lives and we can face tomorrow. तो दोस्तों, ये गाना आपको बहुत आशीषित करे, enjoy this song and हम लेंगे आपसे इजाज़त इस वायदे के साथ कि सोमवार को हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नई जिंदगी के एक और नए एपिसोड में। Have a lovely blessed weekend. God bless you. नमस्कार। नमस्कार।